हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसी, आपकी फ्रेंड दोस्त प्लांट लवर फ्रेंड। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, आप लोगों का नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए, उसकी शुभकामनाएँ देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं छोटी सी ये वीडियो बना रही हूँ, विंडो सेल में मेरी कौन कौन सी प्लांट रखी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अवर्थिया की वैरायटी है, छोटे छोटे पॉट में लगी हुई है, बहुत अच्छे से चल रही है, टू टाइप्स की है। और उधर एक कैक्टस है, ये तुलसी के प्लांट के साइड साइड में रखी हुई है। एक छोटा सा ये सेंसिबेरिया का प्लांट है, और ये नागफनी का कैक्टस है, उधर भी कैक्टस है। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम आपको पता हो तो कमेंट में बताएं। और ये बनी ईयर कैक्टस है जो मैंने प्रोपोगेट किया हुआ है छोटा छोटा। और ये दूसरी टाइप की एक कैक्टस है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता है, मैं बस कलेक्शन करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कलेक्शन करना। ये भी बनी ईयर कैक्टस है फ्रेंड्स, देखिए छोटी सी विंडो सेल की लाइन में रखी हुई है। तो इसमें इसकी जो डॉट है ये मैरून है, और उधर वाली जो डॉट है वो येलो में है, देखिए फ्रेंड्स। और ये भी एक कैक्टस है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मुझे इन लोगों को थोड़ा सा डेकोरेट करना था, क्लीन करना था, मगर मेरी पिछले 4-5 दिनों से तबीयत ख़राब है। आज मेरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी फ्रेंड्स, मैं बस कुछ ही देर पहले उठी हूँ, और अभी मेडिसिन खा कर सो रही थी, और कुछ अभी खा कर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और ये भी एक कैक्टस है, देखिए बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, नाम मैंने सर्च नहीं किया, अभी नहीं बता पाऊँगी, मैं फिर कभी डिटेल में वीडियो बनाती हूँ तब मैं बताती हूँ, आप अगर आपको पता है तो आप बता दें। और ये देख रहे, ये हट जोड़ का प्लांट है, इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये भी एक बहुत प्यारा सा कैक्टस है, देखिए छोटे छोटे बहुत सारे आ रहे हैं इसमें पॉप्स। ये एक सकुलेंट है, कैक्टस नहीं है ये, सकुलेंट है, ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये भी एक पनीर कैक्टस है, इसके साथ ही देखिए ये वाटर में ग्रो किया पर्पल हार्ट और डेविल्स बैकबोन है, तुलसी है, ये देखिए पिंक वाला ट्रायो स्टार रोइयो है ये। और इसके पीछे भी एक कैक्टस है, देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, ये कटिंग से मैंने ग्रो किया था। अब मैं विंडो को इस साइड करके आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ठंड हो रखी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ एक छोटी सी ये कैक्टस है, ये भी मैंने अलग करके ग्रो किया है छोटे से पॉट में, ये भी बहुत छोटे छोटे से इसके बेबीस आ रहे हैं, ये जब बड़ी हो जाएगी तो सब लंबा लंबा होकर लटकती है, बहुत प्यारा लगता है। ये अभी बस ग्रो हो रही है, ये एक मेल आई थी, उसके देखिए बेबीस निकले। और ये है, ये भी मैंने कटिंग लगाई थी, ये जेट प्लांट है, ये बड़ा वाला क्रशुला वाटा है, और ये आपका सनी महाराज का प्लांट है, उसी के साइड साइड मैंने देखी, ये भी रखा हुआ वेंडिंग जू का प्लांट, ये भी मैं कटिंग से ग्रो की थी, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है वेस्ट कंटेनर में। और देखिए ये भी एक येलो या फिर सकुलेंट की वैरायटी है, ये एक स्नेक प्लांट है, ये एक मैंने छोटी सी बेबी कटिंग लगाई है, जो पप्स टूट कर अलग हो गए तो मैंने यहाँ लगा दिया, तो ग्रो हो रही है ये। और ये लक्ष्मी कमल है, कुछ दिन पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, आपके साथ शेयर की हूँ। और ये भी एक कैक्टस है जो मैंने विंडो सेल में रखा हुआ है फ्रेंड्स। इसके साथ ही देखिए ये है कॉइन प्लांट, डॉलर प्लांट, उधर देखिए उधर वो कैलेडियम का प्लांट है फ्रेंड्स, हो रही है अच्छे से ग्रो। और इधर भी छोटे छोटे मैंने कैक्टस लगा रखे हैं छोटे छोटे पॉट में,
वहाँ एक डेविल्स बैकबोन है कटिंग, और ये मेरा एडेनियम का प्लांट है फ्रेंड्स, और ये भी वन ईयर कैक्टस है जो काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके साथ ये नागफनी है, और ये कलंचू का पौधा है फ्रेंड्स। इधर देखिए मजर ऑफ थाउजेंड हो रही है, और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था हटजोड़ का प्लांट। इतने सारे प्लांट है मेरे इस विंडो सेल में फ्रेंड्स टोटल। और ऊपर एक बास्केट में देखिए बोलिविन जियो, और ये क्या बोलते हैं इसको, टेंगल हार्ट का प्लांट है फ्रेंड्स। इसकी कटिंग मैंने कुछ दिन ही कट करके लगाई कुछ दिन पहले। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सबको मैंने यहाँ थोड़ी सी शेडी प्लेस में रखा है फ्रेंड्स, और यहाँ धूप भी काफ़ी अच्छी आती है। जब भी आप ऐसे प्लांट ग्रो करते हैं कैक्टस या सकुलेंट, तो ऐसी जगह रखें जहाँ धूप अच्छी आती हो। थैंक यू, बाय।